हेलो फ्रेंड्स, आम आकाश पांडे। आज के वीडियो में हम लोग ऑटो कैड 3D की फिर से कुछ स्पेशल कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने बताया था कि आपको इस वीडियो में मैं आपको सेल कमांड के बारे में बताने वाला हूँ। सेल कमांड यहाँ पर होती है और इसका क्या यूज है, ये हॉलो शेप बनाती है ऑब्जेक्ट का। तो ये किस तरह से यूज करता है, इसके बाद हम लोग देखने जाएंगे कि किस तरह से 3D में सेक्शन को हम काट के देख सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट में को अगर काटना है, डायरेक्ट 3D सेक्शन काट के देखना है तो किस तरह से काटेंगे, वो भी हम लोग इस ट्यूटोरियल में देखने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो जैसे जस्ट क्लिक किया व्यू कंट्रोल पर, किसी भी एक आइसोमेट्रिक में गए। अगर ये वीडियो देख रहे थे, इससे पहले वाले वीडियोस पहले आप देखिएगा तभी समझ आएगा, क्योंकि ये ऑटोकैड 3D का स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट हमने पहले किया है, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। ओके, तो हमने इस तरह से एक ऑब्जेक्ट लिया और सपोज ये हमारे पास एक बॉक्स है और इसमें हमने मुझे किसी एक तरफ से हॉलो बनाना है शेप को, लाइक मुझे इस तरफ से फ्रंट, इस तरफ से इसको हॉलो बनाना है। इन दैट केस यू कैन जस्ट क्लिक सेल कमांड, इसके बाद ऑब्जेक्ट पर कहीं भी क्लिक करिए, फिर बताइए किस तरफ से रिमूव करना है। तो हमने बोला रिमूव फेस इज दिस वन। ओके, इसके बाद जैसे इंटर करेंगे तो पूछेगा कि कॉर्नर्स की थिकनेस कितनी रखनी है। मैंने बोला 1 1 mm रखना है, तो मैंने 1 करके इंटर किया। इंटर इंटर सी, देखिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हॉलो हो गया। इधर 1 mm छोड़ दिया, 1 1 1 एंड 1 back, इस तरह से यह हमने कर दिया। ओके दोस्तों, तो हमने देखा कि किस तरह से हम लोग सेल कमांड को यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देखने आ रहे हैं 3D सेक्शंस कैसे काटेंगे, 3D में सेक्शन कैसे काटेंगे। सपोज मुझे इस ऑब्जेक्ट का सेक्शन काटना है, तो अभी किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट आप सेक्शन काट सकते हो। तो मैं इसके टॉप व्यू में गया, तो इस तरह से टॉप व्यू। अब मैं इसका यहाँ से अगर सेक्शन काटूँ तो मुझे क्या दिखेगा, वो हम लोग देखते हैं। उसके लिए यहाँ पे देखिए, आपको सेक्शन प्लेन पे जाना है, और सेक्शन प्लेन लेने के बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके ऐसे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ से भी आपको सेक्शन कट करना है, यहाँ से क्लिक करिए। और इसके बाद इसको देखना है कि कैसे दिखेगा हमको, तो उसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जनरेट सेक्शन, जनरेट सेक्शन में 2D 3D ब्लॉक्स करिए। और 3D 3D ब्लॉक करने के बाद हम लोग 2D सेक्शन काटने जा रहे हैं। सो जस्ट क्रिएट करिए, और क्रिएट करके यहाँ पर क्लिक करिए। फिर पूछता है स्केलिंग, मैंने बोला स्केलिंग हमारा 1 ही रहेगा, ठीक है, जितना बड़ा है उतना बड़ा है मुझे देखना है। इंटर किया, इसके बाद पूछता है कि स्केल फैक्टर, मैंने बोला वाई में स्केल फैक्टर क्या, मैंने कहा 1 ही रहेगा हमारा। तो इंटर कर दीजिए, और उसके बाद जैसे आप एंगल एंटर करेंगे, अगर आपको ऑर्थो ऑन है तो बेटर है। और इसके बाद जस्ट ऐसे इंटर करेंगे, एंगल पूछेगा और ये दिखा देगा कि ये ऑब्जेक्ट कटने के बाद आपका जो सेक्शन दिखेगा वो ऐसे ही दिखेगा, कॉर्नर कॉर्नर और बीच में इस तरह से हॉलो है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ का सेक्शन सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, जनरेट सेक्शन, 2D 3D ब्लॉक क्रिएट, और यहाँ पर रख दीजिए, जस्ट डन। समझ आया? तो इस तरह से हम लोग अपने सेक्शन को काटेंगे 3D में। बहुत कम लोगों को पता होता है 3D में ऑटोकैड में सेक्शन काटा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ आपसे स्लाइस कमांड के बारे में, किस तरह से हम लोग स्लाइस कमांड को यूज़ करेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ डोर एंड विंडो बनाएंगे इसके अंदर, अलग अलग ट्यूटोरियल्स में डोर एंड विंडो, और उनको एक ऑटोकैड में 3D घर बना के उसमें प्लेस करके देखेंगे। फिर लाइट कैमरा, और उसके बाद रेंडर एंड ऑल, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर हम लोग प्रिंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये 1 by 1 हम लोग एक एक वीडियो को देखते आएंगे। अभी जितना आप देख रहे हो इसको प्रैक्टिस करिए, इसके बाद इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये परफेक्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। फॉर मोर अपडेट्स एंड फ्यूचर वीडियोज प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। And friends, like and share with your friends my videos. Thank you so much for watching this video.